जनवरी के एक दिन पूर्व हम इस राष्ट्रीय त्योहार को मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं और सभी संस्थाएं और स्कूल, क्योंकि
सरकार का आदेश है कि 26 जनवरी में पूर्ण रूप से जो दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रोग्राम होता है उसको ही देखना चाहिए, या वहां जाकर देखें या आप अपने टीवी और दूसरे संसाधनों से देखें, आजकल मोबाइल भी है और नेट पे भी है। तो इसको इसी वजह से विशेष रूप से दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली हमारे इंडिया की राजधानी है, हम उसको हर्षोल्लास के साथ में आप अपनी संस्थाओं में, आप अपनी मतलब जो है स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज इस उपलक्ष में सभी स्टाफ और बच्चों को मैं अपनी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी गार्जियंस को बहुत ही दिल की गहराइयों से ये बताना चाहूंगा कि इस 26 जनवरी को, जहां कि हमारा संविधान लागू हुआ था इस डेट में 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त मनाते हैं वो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। इसके मौके पर क्या शुभकामना, क्या संदेश? गणतंत्र, जिस तंत्र में बहुत गण हो उसे गणतंत्र कहते हैं, ये शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि हमारा देश अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था अंग्रेजों के ज़माने में, जब ये आज़ाद हो गया तो इसका गणतंत्र दिवस इसीलिए रखा है कि विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न प्रांतों के लोगों को हमारे जो नेता थे, हमारे जो प्रशासक थे, उन्होंने मिलकर इसको अपने एक संविधान में समाहित कर दिया और हम अपने संविधान के मातहत 26 जनवरी को यहाँ पर राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से और क्षेत्रवासियों, अपने गार्जनों को, सभी को ये बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो कार्य हमारे पूर्वजों ने किए, जो इतिहास में कार्य हुए हैं वो देश के प्रति, उनको आगे बढ़ाएं और कसम उठाएं कि हम नित्य दिन कोई ना कोई नया काम करेंगे और अपने को आगे बढ़ाने का, स्कूल का नाम और परिवार का नाम आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त रखेंगे।